ये स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर कॉज एक्स। जी, तो यहाँ पर हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स लेते हैं। देखें, पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे यू ओवर वी के फार्मूला से। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, सो जी पहले वी एज इट इज़ आ गया, एक्स एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स ओवर एक्स स्केयर, ठीक है, नीचे वाली का स्केयर प्लस यहाँ पर देखें नीचे वाली देखें एज इट इज़ कॉज एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स ऊपर वाली का ऊपर वो डेरीवेटिव और माइनस ऊपर वाले देखें एज इट इज़ और नीचे वाले देखें डेरीवेटिव और नीचे वाले देखें उनका स्केयर। तो ये यू ओवर वी का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखें ये आ जाएगा एक्स, इसका डेरीवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, इस तरह माइनस और कॉज एक्स एज इट इज़ और एक्स का डेरीवेटिव होता है वन और नीचे भी एक्स स्केयर एज इट इज़। यहाँ पर देखें कॉज एक्स और एक्स का डेरीवेटिव वन होता है तो वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक्स एज इट इज़ और कॉज एक्स का डेरीवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ पर पहले से मौजूद है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ओवर कॉज स्केयर एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया आंसर।